अगर हम जोड़ा छाप डॉक्टर से संपर्क करके AI करवाएंगे तो हमारा पशु प्रेग्नेंट नहीं होगा, उसके अंदर वो इन्फेक्शन भी कर सकता है। ज़्यादातर किसानों को ये समस्याएं रहती हैं कि वो सीमन तो कहीं ना कहीं से परचेज कर करके ले आता है महंगे से महंगा, लेकिन जब डॉक्टर उसको रख देता है और बाद में वो जो नहीं रह पाता पशु। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और एक बेरोजगार युवा हो या कोई किसान हो, मतलब अपने घर के अंदर पशु रख रहे हो, और हो सकता है इस वीडियो के देखने के बाद आपको डॉक्टर की डिग्री भी एक मिल सकती है, जो पशुओं को डॉक्टर होते हैं। क्योंकि आज हम ये जो मेला आप देख रहे हो, यहाँ पर बहुत सारे हजारों की संख्या में किसान आए हुए हैं, अपने पशुओं को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। पशु किसान मेला कुरुक्षेत्र के KBD ग्राउंड के अंदर इस समय लगा हुआ है, और यहाँ पर ये जो स्टॉल के पास हम इस समय खड़े हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद हैं, जो डॉक्टर आम किसानों को और युवाओं को इस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, जो पशुओं के सीमन रखने की ट्रेनिंग है जो वो भी देते हैं। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानने की मिल सकता है। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। इनोवेशन AI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा, और हमारा हेड ऑफिस है वो हिसार में जी। इसमें हम कोई भी, देखो आज के दिन आपने पूछा है सीमन रखना, आज के दिन जोड़ा छाप डॉक्टर होते हैं उनको ये पता होता है कि सीमन कहाँ रखा जाएगा। सबसे पहली बात तो ये होती है सर। सेकंड ये होती है सर कि हम जब तक नस्ल पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम डेयरी फार्म में इनकम अच्छे लेवल पे नहीं निकाल सकते। क्योंकि आज के दिन नस्ल सुधार पे अगर हम अच्छे तरीके से ध्यान देंगे तो हम डेयरी फार्म में 2 गुना इनकम ले सकते हैं। तो ये हम 90 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं, जो कि हमारा कॉलेज बठिंडा पंजाब में है। इसमें आप डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जानता है, क्योंकि आज के दिन फ्रॉड कई स्किल सेंटर भी बने हुए हैं, उनके चक्रों में नाचते हुए आप साइट पे चेक करें, ई पशु हाट के नाम से गवर्नमेंट की साइट है, जिस पे आप देखोगे इनोवेशन AI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा सेंटर है। और इंडिया में इसकी ट्रेनिंग आप बढ़िया तरीके से हम ही करवाते हैं, जिसमें प्रैक्टिकली ट्रेनिंग पे ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। और जो 3 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, इसमें 2 महीने थ्योरी करवाते हैं, जिसमें पशु को किस टाइम हमें कौन सा चारा डालना चाहिए, किस टाइम हमें प्रेगनेंसी पे हमें पशु को क्या खिलाना चाहिए, AI हमें किस टाइम करनी चाहिए, और AI करते वक्त हमें किस किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, हमें कौन सा सीमन लगवाना चाहिए, उन चीज़ों पे हम विशेष बच्चे को ट्रेनिंग देकर बच्चे को इस लायक बनाते हैं कि वो 2 से 3 हज़ार रुपये कमाने लायक हो जाए पर डे के। और लास्ट महीना जो होता है उसमें हम बच्चों को AI PD कब हमें प्रेगनेंसी चेक करनी चाहिए और AI हमें कब करनी चाहिए, वो चीज़ें हम बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, जिससे वो अपने गांव में अपना खुद का रोजगार कर सके और मैत्री के तौर पे पूरे इंडिया में, क्योंकि जो इसकी मान्यता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, पूरे इंडिया का कहीं का भी बच्चा आके हमारे पास ट्रेनिंग लेके अपना खुद का रोजगार कर सकता है और मैत्री के तौर पे गवर्नमेंट वैकेंसी में भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो डॉक्टर साहब मेरे कुछ सवाल हैं जी। एक तो पहला, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ज़्यादातर किसानों को ये समस्याएँ रहती हैं कि वो सीमन तो कहीं ना कहीं से परचेज कर करके ले आता है महंगे से महंगा, लेकिन जब डॉक्टर उसको रख देता है और बाद में वो जो नहीं रह पाता पशु, तो उसके बारे में वो कहाँ पर दिक्कत रहती है, सीमन में कमी होती है या पशु के अंदर कोई दिक्कत होती है या फिर वो रखने में कहीं। सबसे पहले मैंने आपको पहला एक ही चीज़ बोली थी कि आप जोड़ा छाप डॉक्टर से अगर संपर्क करेंगे, जिसके पास, जिसको ये भी नहीं पता कि सीमन रखने की जगह कौन सी होती है, अगर हम AI करते हैं उसमें 99% चांसेस होते हैं कि पशु प्रेग्नेंट होगा, क्योंकि हमने सीमन सही जगह और आगे बढ़िया, मतलब अपने जगह होती है उस जगह हम रखते हैं, तो हमारा पशु 99% चांसेस होते हैं कि वो प्रेग्नेंसी लेगा। अब अगर हमें यही नहीं पता, अगर हम जोड़ा छाप डॉक्टर से संपर्क करके AI करवाएंगे तो हमारा पशु प्रेग्नेंट नहीं होगा, उसके अंदर वो इन्फेक्शन भी कर सकता है, क्योंकि गन मार के उसको ये भी नहीं पता कि कहाँ पर हमें सीमन रखना है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास ट्रेनिंग लेगा, हम प्रैक्टिकली पशुओं पे AI का कोर्स करवा के उसको, मतलब बढ़िया तरीके से उसको डेयरी फार्म में
बढ़िया बच्चियां बढ़िया कटियां तैयार करने के लिए आज के दिन जो गायें हैं उसमें भी सेक्स सीमन आया हुआ है, जिससे 20 लीटर वाली दूध की जो गायें होती है उससे 35 से 40 लीटर दूध तक हम ले सकते हैं, जिससे हमारी आमदनी दुगनी हो जाएगी। हाँ जी, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि ज्यादातर किसान जब बार बार पशु है जो वो नहीं रहता, भैंस हो या गाय हो, तो उसको बोल देते हैं कि इसको बंधा पड़ गया है, तो वो क्या क्या चीज होती है जी? ये वो होता है एक्चुअल में कुछ चीज या वैसे ही बनी बनाई बात सर? क्या होता है ये क्वेश्चन, हम बच्चों को अब इसका कम से कम पौना घंटा घंटा का लेक्चर होता है, ये चीजें एक एक हम बताते हैं। आज हम जो बता रहे हैं आपको सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है मेरा कि जो डॉक्टर से रखवाते हैं सीमन, तो उससे पशु नहीं रह पाता, लेकिन उसको डायरेक्ट अगर बुल से करवाया जाता है तो वो रह जाता है, तो वो वहाँ पर क्या दिक्कत आती है, वो रखने में दिक्कत होती है या कुछ? जैसे सीमन है, सीमन को आप प्रॉपर सिलेंडर में नहीं रखोगे, उसको ये पहली बात उसको ये नहीं पता कि उसको कितने टेम्परेचर में रखना होता है। अगर उस सिमन को हम उस सिलेंडर में गैस में ना रखते हुए उसको बाहर निकालेंगे और उसको उचित टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे तो वो सिमन खत्म हो जाता है। आप चाहे उस पर कहीं भी आई कर लेना, वो पशु प्रेग्नेंट नहीं होगा। अच्छा जी। हाँ जी। और एक और सवाल है मेरा कि ज्यादातर सभी किसान ये बोलते हैं, जितने भी सरकारी डॉक्टर होते हैं कोई भी, कि आप जैसे नीली रावी की भैंस है तो इसको नीली रावी का ही सीमन रखें इसके अंदर, या मुर्रा किया तो मुर्रा का रखें। हाँ। तो डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि नहीं, जैसा है ये ठीक है, ऐसे ही निकला आएगा भी, जैसे बच्चा मुर्रा की तो मुर्रा आएगा, तो कैसे तो भी माँ पे बच्चा जाता है, तो ऐसा कुछ उसके बारे में? देखो, आप जैसे मान लो मुर्रा नस्ल की भैंस है, उस पे आप अच्छी मुर्रा की रखो, अच्छी दूध वाली की रखो, अपने को नस्ल सुधार पे विशेष ध्यान देना है। अब आज हरियाणा नस्ल की गाय है, जैसे आज के दिन 5 से 7 लीटर दूध दे रही है, अगर हम हरियाणा नस्ल की बढ़िया क्वालिटी का सीमन रखते हैं तो आज के दिन हरियाणा नस्ल भी 20 से 25 लीटर तक दूध देने का काम कर रही है गाय। लेकिन वो उस पे सीमन पे डिपेंड होता है कि हम सीमन कौन सा यूज कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे जी? जो वहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है वो कितने दिन में मिल सकती है? वो 3 महीने का कोर्स होता है, 90 दिन की ट्रेनिंग है, 2 महीने की थ्योरिकल क्लास है, 1 महीने की है प्रैक्टिकल क्लास। इसके अंदर हम बच्चों को AIPD फर्स्ट एड ओवरऑल वेटनरी कोर्स कंप्लीट करवाकर हमारे वहाँ से भेजते हैं। बच्चा अगर प्रैक्टिकल रुकना चाहता है कि अभी मुझे 1 मंथ में कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे कुछ दिन और रुककर करना है, तो हम बच्चे को वो अच्छा ये बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो हाँ बीच में भी उसको कंप्लीट कर सकता है। नहीं, बीच में नहीं सर, 1 महीने का तो रहेगा। काफी बार ये होता है बच्चे को कि मुझे 1 महीने से ज्यादा टाइम चाहिए प्रैक्टिकल के लिए, तो हम वो टाइम भी बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हम बच्चे से। अच्छा जी। और रोजगार के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? रोजगार ये चीज है, ये कोर्स करने के बाद बच्चा अपनी डेली का इनकम अगर फील्ड में काम करता है, ठीक है, फील्ड में अगर काम करता है तो वो डेली के 2.5 से 3 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है, क्योंकि जो उसको डॉक्यूमेंट मिलेंगे उसके बेस पर वो अपना क्लिनिक भी खोल सकता है, फील्ड में भी काम कर सकता है। डी ग्रुप की मैत्री वर्कर की वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो आप लोगों का वीडियो के बारे में क्या कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।